हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम भारत के सबसे खूबसूरत गांव की, जहां लोग विदेशों से घूमने के लिए आया करते हैं। भारत में एक से एक खूबसूरत गांव मौजूद हैं, जहां घूमने के बाद शायद कोई वापस आना चाहता हो अपने घर। भारत के इन खूबसूरत गांव में सिर्फ देसी लोग नहीं, बल्कि विदेशी सैलानी भी हर साल लाखों की संख्या में घूमने आते हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई खूबसूरत गांव मौजूद हैं भारत के अंदर, जिनकी बात हम आज करेंगे। पहला गांव है मवाली नोंग, भारत के पूर्वी राज्य यानी मेघालय में मौजूद है। यह गांव भारत का सबसे खूबसूरत गांव है। यहां सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि खूबसूरती के चलते विदेशों में भी प्रसिद्ध है। सेकंड गांव है मलाणा, हिमाचल प्रदेश की वादियों में मौजूद मलाणा गांव खूबसूरती के मामले में किसी जन्नत से कम नहीं है। पहाड़ों में बीच में मौजूद यह गाँव किसी भी मौसम में घूमने के लिए बेस्ट जगह है। अगर आप घूमने के शौकीन है तो आप यहां जा सकते हैं। तीसरा गांव है रौंगला, सिक्किम में मौजूद रौंगला भी भारत के सबसे खूबसूरत गांव में से एक है। समुद्री तल से लगभग 7000 से भी अधिक फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। चौथा गांव आपका जंजैहली, हिमाचल प्रदेश में मौजूद जंजैहली प्रकृति की प्रेमियों के लिए एक किसी जन्नत से कम नहीं है। यह पार्टनर के साथ घूमने का एक अलग ही मजा है। यह बहुत ही ठंडा इलाका है। अब बात करते हैं लद्दाख और तिब्बत बॉर्डर पर मौजूद नाको गाँव के बारे में। यह गाँव भी खूबसूरती के मामले में किसी बेहतरीन जगह से कम नहीं है। अब बात करते हैं छितकुल गाँव की। आपको बता दें कि यह भारत का आखिरी गाँव है जो चीन बॉर्डर में मौजूद है। खूबसूरती के मामले में यह गांव किसी विदेशी जगह से कम नहीं है। हिमालय की गोद में मौजूद यह सबसे ऊंचा गांव है। अब बात करते हैं जायरो की, अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में मौजूद यह गांव पूर्व भारत में बहुत ही फेमस है। यहां कभी भी परिवार के साथ या अपने पार्टनर के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्किम में मौजूद लाचेन गाँव की। एक छोटी सी जगह है, लेकिन खूबसूरती के मामले में अन्य किसी भी गाँव से कम नहीं है। आप यहां किसी भी महीने में घूमने के लिए जा सकते हैं। बात करते हैं लेह की वादियों में मौजूद दिस्कित गांव की। वातावरण और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। सर्दियों के मौसम में यहां घूमने का एक अलग ही मजा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप यहां घूमने आ सकते हैं तो आप इन गांव के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।